नमस्कार एस एस सी ईरा में एक बार फिर से आपका स्वागत है वी आर डिस्कसिंग क्लास टेंथ ज्योग्राफी चैप्टर वन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इन माई प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट रिसोर्स विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट येस लैंड रिसोर्स लैंड रिसोर्स इतना इम्पॉर्टेंट है और हम उसको डे बाय डे ज़्यादा से ज़्यादा यूज में ला रहे हैं तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेड होने लगी है द लैंड इज बिकमिंग अनफिट नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट ऑल्सो फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ एटसेट्रा तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमें कंजर्व करना है ये प्रेजेंट सिनेरियो में ये ग्लोबल एक इशू बनती जा रही हैं क्योंकि इसके सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स बहुत होते हैं सो लैंड डिग्रेडेशन एंड द मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर आवर लाइफ्स आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्रूशियल है फाइव मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें आ सकता है वन मार्क थ्री मार्क फाइव मार्क वेटेज अलग अलग हो सकती हैं डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं सो लेटस डिस्कस द काजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन फर्स्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग वन थर्टी जो आपका मिलियन हेक्टेयर लैंडस हैं वो डिग्रेडिड है कारण बहुत सारे हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण भी वाटर इरोडिड भी है जो हमारा लैंड डिग्रेडिड है तो अगर हम रीजन्स की बात करते हैं कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन उसमें हम कह सकते हैं माइनिंग एंड क्वेरिंग ओवर ग्रेजिंग ओवर इरीगेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरह के कारण है डिफॉरेस्टेशन जिनके कारण लैंड की क्वालिटी डिप्लीट होती जा रही है ओवर ग्रेजिंग अगर हम देखें जहाँ पैस्चलैंड जैसे राजस्थान हो गया मध्य प्रदेश हो गया गुजरात हो गया इन इलाकों में ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन तो वन मार्क में देखें आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में वॉट इज द मेन फैक्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ओवरग्रेजिंग कहाँ कहाँ पर लैंड को डिग्रेड कर रही है तो आपको स्टेट्स के नाम मैंशन करने हैं ऐसे ही माइनिंग माइनिंग एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं कि माइनर्स एक्सकवेट करते हैं और उसको अनट्रीटेड ऐसे ही छोड़ आते हैं खुला अबेंडेंट तो वहाँ पर डस्ट वगैरह वो पानी के साथ डस्ट के होने से पानी उसमें नीचे सॉइल तक नहीं जा पाता है तो वो सब चीज़ें हैं जो लैंड को डिग्रेड करने का कारण बनती हैं ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ माइनिंग ज़्यादा होती है छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश ओडिशा ऐसे स्टेट्स में माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन बिकॉज फॉर द माइनिंग आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच हैव ब्रॉट द लैंड टू डिग्रेडेशन ओवर इरीगेशन की बात करें यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ओवर इरीगेशन होता है पंजाब हरियाणा जैसे री, रीजन्स में जहाँ हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई एल्ड वेराइटी सीड्स यूज हुए थे केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स उन सब के चलते जो लैंड की सेलिनिटी और एल्कलिनिटी इंक्रीज होने लगी थी तो लैंड डिग्रेड होने लगी तो पंजाब हरियाणा में क्या एक मेजर फैक्टर हो गया लैंड डिग्रेडेशन का ओवर इरिगेशन सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बिकमिंग अ मेजर फैक्टर जैसे सीमेंट के लिए आप लाइन स्टोन को क्रश कर रहे हैं तो वो डस्ट उसमें रहती है इन्वायरमेंट में वो धीरे धीरे लैंड पे बिछ जाती है जो फिर सॉइल को स्पॉइल करती है ऐसे ही इंडस्ट्रीज अनट्रीटेड वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स जो हानिकारक उसमें केमिकल्स हैं वो सब लैंड में समा जाते हैं और लैंड डिग्रेड हो जाती है इन सब से हमें बचना होगा और कंजर्वेटिव मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे कंजर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे अफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट हो गया अफॉरेस्टेशन कंजर्वेशन मेथड्स में तो हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स इम्प्लांट करें प्लांटेशन ज्यादा होगा तो लैंड डिग्रेडेशन से बच पाएगा उसके लिए हम लगा सकते हैं। में हैं, डेजर्टेड एरियाज़ में उनको हम स्टेबलाइज़ कर सकते हैं बाय प्लांटिंग कैक्टाई या थॉर्नी बुशेस इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर पहले करें उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको सेपरेट करें तब हम वाटर को डिस्चार्ज करें तो हम बचा सकते हैं हम वेस्ट मैनेजमेंट करके लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं ग्रेजिंग को कंट्रोल करके माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करके हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं तो दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड टूडे इसमें से आपके पास कॉजेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स दोनों को मिक्स करके भी पूछ सकते हैं बोर्ड में अलग अलग भी पूछ सकते हैं तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर इट Go through it uh, from your textbooks also so that you can prepare.